नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवित्र, आप देख रहे हैं टेक नॉन टेक। आज हम 10 नवंबर का इंपॉर्टेंट कांड डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको बता दो, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बिल को दबा देना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ क्वालिफाइड फॉर ABLF ग्लोबल एशियन अवार्ड? ABLF ग्लोबल एशियाई पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो ABLF ग्लोबल एशियन अवार्ड जो है इसको दिया गया है आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कुमार मंगलम। ठीक है, और कुमार मंगलम कौन है? तो चेयरमैन ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप का चेयरमैन है। ठीक है, और ये जो है ABLF एशियन जो है एशिया बिजनेस लीडरशिप का ये फोरम के द्वारा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी 2019 ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन रेडियोलॉजी। 2019 का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो रेडियोलॉजी जो है इंटरनेशनल रेडियोलॉजी ये आपको जो है 8 तारीख को मनाया, 8 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी, 8 नवंबर। ठीक है, इसका थीम इस बार क्या था? इस बार थीम था आपका स्पोर्ट्स इमेजिंग। ठीक है, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ रेडियोग्राफर्स एंड रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज के द्वारा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री विल होस्ट 2023 मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप? 2023 जो है पुरुष हॉकी विश्व कप की जो है कौन सी देश मेजबानी करेगा? तो ये जो है इसका सही आंसर रहेगा डी, इंडिया। ठीक है, इंडिया जो है 2023 का जो है पुरुष का जो है हॉकी विश्व कप इसका होस्ट करेगा। ठीक है, और ये होगा आपका जनवरी के 13 से लेकर 29 तारीख के बीच। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ अपॉइंटेड एज गूगल इंडिया कंट्री मैनेजर? गूगल इंडिया कंट्री मैनेजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका नाम है आपका संजय गुप्ता। ठीक है, संजय गुप्ता है आपका फॉर्मर स्टार एंड डेंसी। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीगल सर्विसेज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन? कानूनी सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो कानून सेवा दिवस जो है प्रत्येक वर्ष जो है 9 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और इसको जो है लीगल सर्विस डे को सेलिब्रेट किया गया था जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फर्स्ट टाइम 1995 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पार्टिसिपेट इन 9th ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर्स मीट इन ब्रासिलिया? ब्रासिलिया में जो है 9वीं जो है ब्रिक्स जो है व्यापार मंत्री का जो बैठक हुआ, उनमें से जो है हमारा इंडिया की तरफ से किसने भाग लिया? तो हमारे इंडिया की तरफ जो है पीयूष गोयल ने भाग लिया। आंसर हो जाएगा इसका सही। ठीक है, तो पीयूष गोयल कौन है? तो पीयूष गोयल है हमारा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड रेलवे मिनिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट सेक्रेटरी चेयर्स एन सी एम सी मीटिंग टू डील विद द सेवर साइक्लोन बुलबुल ओवर वेस्ट बंगाल एंड पश्चिम बंगाल, और किसके ऊपर जो है गंभीर चक्रवात बुलबुल से निपटने के लिए कैबिनेट सचिव अध्यक्ष एन सी एम सी की का जो है बैठक किया गया है? तो ये किया गया है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बीच। ठीक है, इसका सही आंसर जाएगा बी, उड़ीसा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्पेस एजेंसी अनवील्स इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक एयरप्लेन? कौन सी स्पेस एजेंसी ने खुलासा किया कि जो है पहला इलेक्ट्रिक हवाई जहाज का खुलासा किया कौन सी स्पेस एजेंसी? तो इसका सही आंसर जगह नासा। ठीक है, इसका सही आंसर सी, नासा ने। तो नासा ने कहाँ पर किया है? तो नासा ने जो है किया है आपका कैलिफोर्निया की डिजर्ट में, एरोनॉटिक्स लैब के अंदर। ठीक है, और इस हवाई अड्डा का नाम दिया गया आपका X-57 मैक्सवेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच प्लेस ऑफ इंडिया डिड MPC फॉर मिलन 2020 कंक्लूडेड? मिलन 2020 के लिए भारत के किस स्थान पर MPC को शामिल किया गया? तो मिलन 2020 के लिए जो है भारत के कौन सी स्थान पर MPC का जो है शामिल किया गया? इसका सही आंसर जगह डी, विशाखापट्टनम। ठीक है, और MPC का जो है MPC का फुल फॉर्म आपका मिड पॉइंट कॉन्फ्रेंस किया गया था। मिलन मतलब मिलन एक जो है नोवल एक्सरसाइज है। ठीक है, तो नोवल एक्सरसाइज के लेकर जो है MPC नोवल एक्सरसाइज जो है मिलन के लेकर एक मिड पॉइंट कॉन्फ्रेंस किया गया था विशाखापट्टनम में। ठीक है, तो ये कुछ हमारा आज का इंपॉर्टेंट कांटेक्ट व्यवस्था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, आज के लिए।